जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। जी हां साथियों, यूजी पीजी जो भी भैया स्नातक और स्नातकोत्तर कर रहे हैं, चाहे कोई नॉन कॉलेज से कर रहा हो, चाहे कोई रेगुलर से कर रहा हो, या कोई भी बच्चा फेलियर्ड हो, जैसे भाई फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं तो उसके दोबारा से फिर एग्जाम होते हैं अगले साल, तो वो एग्जाम भी शुरू हो चुके हैं, टाइम टेबल जारी हो चुका है साथियों। इसी की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और टाइम टेबल भी आपको देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो संपूर्ण जानकारी हम देंगे, केवल और केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रख लेना। तुम ये सोचो कि साहब और दूसरी यूनिवर्सिटी के बता दो, उनकी बात हम बाद में करेंगे। केवल और केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो भी भाई बहन ओपन से कर रहे हैं, जिसको हम नॉन बोलते हैं, नॉन कॉलेज से कर रहा है, कोई स्नातक कर रहा हो या कोई स्नातकोत्तर कर रहा हो, है ना, जैसे MA, MSc, MCom हो तुम्हारी भैया, BA, BSc, BCom हो, ये तुम या तो नॉन कॉलेज से कर रहे हो या रेगुलर से कर रहे हो राजस्थान यूनिवर्सिटी से, तो आपका टाइम टेबल जारी हो चुका है। आपकी परीक्षाएं 21 मार्च 2024 से शुरू हो रही हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा साथियों। तो अभी तक नहीं जुड़े हो चैनल से तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओम वीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो, इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी योजना आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओम वीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। चलो भाई देखते हैं, फटाफट से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है साथियों इसका, और टाइम टेबल भी जारी हो चुका है, आराम से आप देख सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024 यूजी पीजी स्नातक हो या स्नातकोत्तर हो, रेगुलर हो, चाहे नॉन कॉलेज हो, चाहे एक्स हो, यानी कि जो पिछली बार फेल हो चुके थे बच्चे, उनके भी दोबारा पेपर शुरू हो चुके हैं, इनके एग्जाम की बात है। टाइम टेबल जारी हो चुका है, 21 मार्च से एग्जाम शुरू है साथियों, बिल्कुल। तो 21 मार्च से आपके एग्जाम शुरू हैं, अब आपको कहीं पर भी नहीं जाना है दोस्तों। आप अपनी सीरीज अगर किसी ने नहीं ली है तो सीरीज ले लो भैया, पढ़ना तो है ही आपको, चाहे किताबों से पढ़ो, बुक से पढ़ो, नोट्स पढ़ो, सीरीज पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, तभी आप पास हो पाओगे। इसलिए समय बहुत कम बचा है दोस्तों आपके पास, तो अब आप अपनी पढ़ाई में जुट जाइए भयंकर तरीके से, वरना बाद में पछताओगे। तो अभी आप भयंकर तरीके से जुट जाइए, 21 मार्च से आपके जो एग्जाम हैं वो शुरू हो रहे हैं साथियों, टाइम टेबल भी जारी कर दिया है बोर्ड ने। तो आप इस बात पर बिल्कुल ये मत करना कि सर कोई बात नहीं, लापरवाही बरत गए और हो गया, नहीं 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 नहीं, अब बिल्कुल आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, अब आपको केवल और केवल पूरा फोकस अपने एग्जाम्स में लगाना है साथियों, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं यूजी की और फिर बात करेंगे पीजी की। तो पहले यूजी की बात करते हैं। यूजी में आप सभी को पता है यूजी में क्या क्या है, जैसे देखो भाई बीए है, बीएससी है और तुम्हारी बीकॉम है, ये चीजें हैं। अब यूजी में देखो, यूजी में किन किन के एग्जाम है, यूजी में जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके एग्जाम नहीं है साथियों, बिल्कुल इस बात का ध्यान रख लेना। जो फर्स्ट ईयर से रेगुलर है या नॉन है उनके कोई एग्जाम अभी नहीं है, उनके एग्जाम अप्रैल में हो सकते हैं। अब तो केवल और केवल फर्स्ट ईयर वालों के उनके एग्जाम है जो पिछली साल फेल हो गए थे, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं। पिछली साल जो भाई बहन फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था राजस्थान यूनिवर्सिटी का, तो उनके एग्जाम है अब 21 मार्च से, समझ गए मैं आपको क्या बोल रहा हूं। 21 मार्च से किसके शुरू हैं फर्स्ट ईयर के, जो पिछली बार फेल हो गए थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उनके एग्जाम है 21 मार्च से। आप अपना टाइम टेबल चेक कर लीजिए, वो भी हम बता देंगे, ठीक है जी। और सेकेंड ईयर के, सेकेंड ईयर के एग्जाम है 21 मार्च से, थर्ड ईयर के भी हैं 21 मार्च से, रेगुलर हो, चाहे नॉन हो, चाहे एक्स हो, फेल हुआ हो, चाहे नॉन कॉलेज से कर रहा हो, चाहे कोई रेगुलर विद्यार्थी हो, सेकेंड ईयर में जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी में उनके एग्जाम भी 21 मार्च से शुरू हैं साथियों। और थर्ड ईयर जिसको हम फाइनल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं साहब, फाइनल, फाइनल वालों के भी
चाहे रेगुलर हो, चाहे नॉन हो, चाहे एक्स हो, उनके भी 21 मार्च से ही एग्जाम शुरू है, टाइम टेबल जारी हो चुका है। तुम्हारा टाइम टेबल तो बिल्कुल जारी हो गया भैया, यूजी वालों का टाइम टेबल कहाँ मिलेगा साहब? अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो दोस्तों, ओमवी रोजगार के टेलीग्राम पर आपको यूजी का टाइम टेबल मिल जाएगा। जो बीए बीएससी बीकॉम वाले हैं, स्नातक वाले हैं, उनका जो टाइम टेबल है वो आपको मिल जाएगा साथियों, कहां पर? टेलीग्राम पर। अच्छा जी, अब बात करें पीजी की, ये तो आप समझ गए होंगे ना, बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, हम आपके जवाब दे देंगे। अब बात करते हैं पीजी वालों की, जो कि मास्टर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, समझ रहे हो, स्नातकोत्तर, इनकी बात करते हैं साथियों। चाहे देखो भैया रेगुलर हो पीजी, चाहे कोई नॉन कॉलेज से कर रहा हो पीजी, चाहे कोई एक्स यानी कि फेल विद्यार्थी हो, उनके जो एग्जाम है वो भी 21 मार्च से ही होंगे साथियों। वो भी कब से होंगे एग्जाम? 21 मार्च से, बिल्कुल 21 मार्च से ही शुरू है साथियों आपके एग्जाम। अच्छा, फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, यानी कि फाइनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल, सेकेंड ईयर को फाइनल बोलते हैं, एमए 2 साल की होती है। तो एमए वाला चाहे कोई रेगुलर हो, चाहे कोई नॉन हो, चाहे एक्स हो, टाइम टेबल आपका जल्द ही जारी होने वाला है। अभी आपका टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है, 1-2 दिन में ही आपका भी टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि पीजी का टाइम टेबल ही जारी नहीं हुआ है, बाकी यूजी का टाइम टेबल जो है वो तो जारी कर दिया है साथियों। वो तो आप टेलीग्राम पर देख सकते हो किस किस का, कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है। 21 तारीख से ही सारे एग्जाम शुरू हैं। ये नहीं है कि भैया आपके एग्जाम है जो हिंदी का एक साथ हो, नहीं, सबके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग एग्जाम है, लेकिन सभी के एग्जाम होंगे शुरू 21 मार्च से, इस बात का ध्यान रख लेना साथियों, ठीक है जी। बिल्कुल, अब रेगुलर हो चाहे नॉन हो, चाहे एक्स हो, पीजी वाले और यूजी वाले ध्यान से सुन लो, 21 मार्च से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, और परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में 8 मार्च 2024 तक जमा करवाना सुनिश्चित करें। अभी भी अगर किसी ने बोर्ड फॉर्म जमा नहीं करवाया है तो भैया आप अपना जो फोरम है वो 8 मार्च तक लास्ट डेट है, आप आवेदन जमा करवा सकते हैं अपने कॉलेज में जाकर के, और फिर आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर 8 मार्च के बाद में आप जमा करवाते हो तो ₹500 का शुल्क एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, ठीक है साथियों। लेकिन सभी ने जमा करवा दिए होंगे, 8 मार्च तो अब है, इससे पहले ही सबने जमा करवा दिए होंगे फॉर्म, अब तो आपका एग्जाम होगा। सीरीज ले आइए, कैसे भी ला करके पढ़ना है आपको साथियों, ठीक है। आप अपना एग्जाम क्लियर करिए तभी आगे का बंदोबस्त होगा भैया, इससे पहले तुम्हारा गैला नहीं घलेगा, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है जी। अब बात करेंगे अगले यूनिवर्सिटी की अगली वीडियो में। ये तो केवल और केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों के लिए है कि भैया तुम्हारे एग्जाम शुरू हो चुके हैं, आप दम लगा करके लग जाओ बस, अब ठीक है, समय नहीं है तुम्हारे पास अब ऐसे वैसे घूमने का, अब बहुत कम समय बचा है, इस सीमित समय में आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, तभी कर पाओगे जब आप लगातार पढ़ाई पर बैठोगे। दिन रात एक कर दीजिए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए, ताकि आप भी इन एग्जामों में पास हो सके और आगे की रणनीति सोच सके साथियों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी सरकारी नौकरियों की भर्तियां निकलती हैं और जो भी छोटी मोटी तुम्हारी जानकारी होती है, समस्त जानकारी हम उपलब्ध करवाते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।